అసోం పౌరసత్వ ముసాయిదా బిల్లుపై రచ్చ కంటిన్యూ అవుతోంది. రాజీవ్ గాంధీ హయాంలోనే పౌరసత్వ అంశం తెరపైకొచ్చిందని నిన్న రాజ్యసభలో బీజేపీ ఎంపీ అమిత్ షా కౌంటర్ ఇచ్చారు. దానిపై విపక్షాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. అమిత్ షా వాదనలో వాస్తవం ఉందన్నారు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అనంత్ కుమార్. రాజీవ్ హయాంలోనే సిటిజన్షిప్ అంశం తెరపైకొచ్చిందన్నారు. రోహింగ్యాలు వేరు, దేశంలో శరణార్థులు వేరన్నారు విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే. అసోం విషయంలో బీజేపీ దేశ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తోందన్నారు. अभी एनआरसी का यदि किसी ने समझौता किया 1985 में असम अकार्ड, वो किसने किया? तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया और आकर के उन्होंने लाल किले के प्राची से ऐलान कर दिया, ऐसे एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, घुसपैठियों को बाहर करेंगे. श्रीमती इंदिरा गांधी भी कई बार कह चुकी है घुसपैठियों को बाहर करेंगे. तो जो अवैध घुसपैठिया है उनके पक्ष में रहती है कांग्रेस और ये सारे विपक्ष, या जो देशभक्त भारतवासी है उनके पक्ष में रहेंगे. असम एजिटेशन इतने साल हुआ आसू के नेतृत्व में, वो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हुआ और उस आंदोलन को एक पटाक्षेप करने के लिए राजीव गांधी ने वो समझौता किया. और अभी राजीव गांधी ने जो समझौता किया और उसका सेंटर पॉइंट एनआरसी था. एनआरसी को अपने अपना रहे नहीं और राजीव गांधी जी के वक्ती एग्रीमेंट हुआ था और राजीव गांधी जी के समय में जो एग्रीमेंट हुआ उसी को मान्यता नहीं दे रहे, ये सब झूठ है. अरे हम लोग ये चाहते हैं कि जूनियन लोग छूट न जाए और जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको पक्का सब मिलना चाहिए. रोहिंग्या की चीज़ अलग है, एनआरसी की इशू अलग है, तो ये अलग अलग डील किया जाएगा और इसके बारे में हम जो कहना है एनआरसी के बारे में कहे. रोहिंग्या का विषय तो कल प्रश्नकाल में उठा था, उनको उन्होंने उत्तर दिया है. तो इसमें हम कोई मिक्स नहीं करना चाहते हैं, या हर चीज़ को गलत चीज़ को भी हम डिफेंड नहीं करना चाहते. जो मुल्क के हित में देश के हित में जो है वो सब मिलके करना है. किसी